हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुपिटर क्लासेस. माय सेल्फ अनु शर्मा. सो वी आर हेयर टू डिस्कस सम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ टुडे. विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स मूव टुवर्ड्स योर फर्स्ट क्वेश्चन. योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज, अटल इनोवेशन मिशन रिसेंटली कोलाबरेटेड विद विच कंपनी टू एस्टैब्लिश फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स इन स्कूल्स. ठीक है, तो अटल इनोवेशन मिशन ने रिसेंटली किस कंपनी के साथ कोलाबरेट किया है टू एस्टैब्लिश फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स इन स्कूल्स. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज योर मेटा, सेकेंड ऑप्शन इज गूगल, थर्ड ऑप्शन इज माइक्रोसॉफ्ट एंड लास्ट ऑप्शन इज अमेजोन. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मेटा. ठीक है, तो अटल इनोवेशन मिशन और मेटा ने जो है मिलकर क्या किया है, टू क्रिएट फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स इन स्कूल्स. ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द फर्स्ट प्राइज एट द नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024. ठीक है, 2024 पार्लियामेंट फेस्टिवल में फर्स्ट प्राइज जो है किसको मिला है. फर्स्ट ऑप्शन इज वैष्णा पिचई, सेकंड ऑप्शन इज यतिन भास्कर डुगल, थर्ड ऑप्शन इज कनिष्क शर्मा एंड लास्ट ऑप्शन इज आस्था शर्मा. ठीक है, सो दी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज यतिन भास्कर डुगल. ठीक है, तो यतिन भास्कर डुगल जो हरियाणा के हैं, ही क्लिंस द विक्ट्री एट द नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024. ठीक है, और जो हमारे वैष्णा पिचई हैं उनको जो है सेकंड पोजीशन मिली थी, कनिष्क शर्मा जो हैं उनकी थर्ड पोजीशन थी. ठीक है, जो वैष्णी पिचई जो हैं वो तमिलनाडु से हैं, कनिष्का ही इज़ फ्रॉम राजस्थान. ठीक है, तो मूविंग टुवर्ड्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति साइंड एन एग्रीमेंट विद विच इंस्टीट्यूट फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर डैम्स. ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने एक एग्रीमेंट साइन किया है किस इंस्टीट्यूट के साथ. फर्स्ट ऑप्शन इज़ योर IIT कानपुर, सेकंड ऑप्शन इज़ IIM अहमदाबाद, थर्ड ऑप्शन इज़ IISc बेंगलुरु एंड लास्ट ऑप्शन इज़ IIT बॉम्बे. ठीक है, तो जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है अभी हाल ही में. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज IIC बेंगलुरु. ठीक है, 10-year मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया है विद IIC बेंगलुरु के साथ. किस चीज़ के लिए, टू एस्टैब्लिश द इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डैम्स. ठीक है, विद ए फोकस ऑन डैम सेफ्टी, ICED विल प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट, कंडक्ट रिसर्च एंड ऑफर एकेडमिक कोर्सेज. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल वीमेंस डे 2024. ठीक है, 2024 की थीम क्या थी इस बार की इंटरनेशनल वीमेन डे की. फर्स्ट ऑप्शन इज इन्वेस्ट इन वीमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस, सेकेंड ऑप्शन इज जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, थर्ड ऑप्शन इज डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड लास्ट ऑप्शन इज थिंक इक्वल बिल्ड स्मार्ट एंड इनोवेट फॉर चेंज. ठीक है, सो दी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इन्वेस्ट इन वीमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस. ठीक है, जो इंटरनेशनल वीमेंस डे है वो आपको पता है कि इट इज़ सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन 8th of March. ठीक है, तो 2024 की थीम क्या थी, इन्वेस्ट इन वीमेन. ठीक है, सो टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली वी स्टेट गवर्नमेंट कोलाबरेटेड विद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टू एस्टैब्लिश AI सेंटर. ठीक है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ जो है एक कोलाबरेशन किया है AI सेंटर के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर के लिए. तो आपके पास ऑप्शन हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज कर्नाटका, सेकेंड इज महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन इज तमिलनाडु एंड लास्ट ऑप्शन इज केरला. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कर्नाटका. ठीक है, तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने जो है पार्टनर किया है इसके साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ टू एस्टैब्लिश स्टेट ऑफ आर्ट AI सेंटर. ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.